झारखंड टेंडर वेलफेयर एसोसिएशन में धनबाद जिला में 7 पद मिलने पर जिले में खुशहाली का माहौल एवं सम्मान समारोह। धनबाद झारखंड स्टेट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की नई कमेटी का गठन रांची में किया गया, जिसमें धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के चुने गए पदाधिकारियों का गर्मजोशी से सम्मान समारोह का आयोजन धनबाद जिला रिपोर्टर एसोसिएशन जिला बेकार बांध कार्यालय अमर डेकोरेटर में किया गया। झारखंड टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव रांची में संपन्न हुआ। झारखंड प्रदेश कमेटी चेयरमैन तिलकराज अजवानी की अध्यक्षता में प्रदेश कमेटी का 2021-2024 सत्र काल का कमेटी चुनाव संपन्न हुआ। प्रदेश कमेटी का चुनाव सत्र काल 2021-2024 में धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन का पूरा दबदबा बना रहा। धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के महासचिव पुरुषोत्तम कुमार रंजन ने अच्छी कार्यशैली को दिखाते हुए झारखंड प्रदेश कमेटी का पुनः इस बार विश्वास जताते सचिव बनाया गया। इस चुनाव में धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन को प्रदेश में मजबूत संगठन देखते हुए अतिरिक्त 7 पद का प्रभार दिया गया। प्रदेश कमेटी का सचिव पुरुषोत्तम कुमार रंजन, संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद, वरीय उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी, सलाहकार समिति में प्रदीप कुमार सिंह, विश्वनाथ सिंह, मीडिया प्रभारी रूपदेव रवानी एवं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में महेंद्र गोप एवं बच्चू दत्ता को बनाया गया। सम्मान समारोह में शाखाओं के पदाधिकारी एवं जिला कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए धनबाद से विजय रवानी के साथ अकरम रजा की रिपोर्ट। हम लोगों का बहुत ही आगे हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे अपने सदस्य के हित के लिए, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं झारखंड के सभी पदाधिकारी को जो नए चुनकर आए हैं और अपने सदस्यों का। प्रदेश कमेटी में मुझे पुनः किन लोगों को चुना गया था? यहाँ से चुना गया है, हम धनबाद जिला डेकोरेटर्स में महासचिव हैं पुरुषोत्तम कुमार रंजन, हमको सचिव पद पे चुना गया है पुनः। हमारे द्वारका प्रसाद तिवारी जी को वरीय उपाध्यक्ष पूरे प्रदेश में चुना गया है, साथ में हमारे विश्वनाथ सिंह, प्रदीप सिंह जी को सलाहकार कमेटी में लाया गया है। यहाँ के जो बच्चू दत्ता जी सचिव हैं और महेंद्र गोप जी वरीय उपाध्यक्ष हैं, उनको प्रदेश कार्य समिति में सदस्य में लिया गया है, और रूपदेव रवानी जी को मीडिया प्रभारी में लिया गया है। ये धनबाद की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि, और हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनको संयुक्त सचिव के रूप में लाया गया, यानी पूरे झारखंड में सबसे अधिक अगर पद मिला है तो धनबाद जिला को मिला है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।